हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बचपन के प्यार पर बनी साउथ की पांच बेहतरीन लव स्टोरी रोमांटिक मूवीज को। ये सारी मूवीज हिंदी लैंग्वेज में आप सभी को देखने को मिल जाएगी। आप सभी इन सारी मूवीज को हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मूवी है नैनू सैलजा, जिसे हिंदी में नाम दिया गया है द सुपर खिलाड़ी 3। यह मूवी आई थी साल 2016 में। ये एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा मूवी। इस मूवी में आप सभी को नजर आने वाले राम पोथिनेनी, कृति सुरेश और अन्य कलाकार। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़के की, जिसका नाम हरी होता है, जिसे अपने सच्चे प्यार की तलाश होता है। तभी उसकी मुलाकात सैलू नाम की लड़की से होती है, जिसे वो प्यार कर बैठता है। तभी उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, उसके बचपन का प्यार होती है। मूवी ट्विस्ट तब आता है जब सैलू के पिता उसकी शादी किसी और के साथ करवाना चाहते हैं। मूवी में क्या टूस एंड टर्न्स आते हैं, इसके लिए आप सभी को यह मूवी देखनी चाहिए। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में आप सभी को वर्ल्ड माइड टेल फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को 91% गूगल जाने पसंद किया है। इस मूवी को रेटिंग हासिल है 7.9 की IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है हेलो, जिसे हिंदी में नाम दिया गया है तकदीर। यह मूवी आई थी साल 2017 में। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी में आप सभी को नजर आने वाले अखिल अकिनेनी, कल्याणी प्रियदर्शनी और अन्य कलाकार। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है दो बच्चों की, जो अनाथ होते हैं, जो बचपन से एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मूवी ट्विस्ट तब आता है जब वे दोनों 20 साल बाद एक बार फिर से एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। आखिरकार किस प्रकार से वे दोनों अपने बचपन को, प्यार को पहचानते हैं, इसके लिए आप सभी को यह मूवी देखनी चाहिए। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। इस मूवी को 86% गूगल जाने पसंद किया और इस मूवी को रेटिंग हासिल है 7.3 की IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है माली रावा। यह मूवी आई थी साल 2017 में। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी में आप सभी को नजर आने वाले आकांक्षा सिंह, सुमंत और अन्य कलाकार। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई देती है दो बचपन के कपल की, जो एक दूसरे से स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मूवी ट्विस्ट तब आता है जब वे दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद फिर से मिलते हैं, जिसके कारण उन दोनों के बीच में फिर से बचपन वाला प्यार शुरू हो जाता है। ये एक बेहतरीन टीनेजर रोमांटिक मूवी है, जो आप सभी को एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज आप सभी को यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। बात करें इस मूवी के पॉपुलैरिटी के बारे में, तो इस मूवी को 96% गूगल जर ने पसंद किया और इस मूवी को रेटिंग हासिल है 8/10 की IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है जानू। यह मूवी आई थी साल 2020 में। यह एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। इस मूवी में आप सभी को नजर आने वाले सर्वानंद, समांथा किनेनी और अन्य कलाकार। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है दो स्कूल लाइफ लवर की, जो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपनी बात कर नहीं पाते। मूवी ट्विस्ट तब आता है जब वो 20 साल बाद एक बार फिर से एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी बीती हुई जिंदगी को याद करने लगते हैं। मूवी में आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, इसके लिए आप सभी को यह मूवी देखनी चाहिए। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में आप सभी को गोल्ड मैन टेल फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इस मूवी को 85% गूगल जाने पसंद किया और इस मूवी को रेटिंग हासिल है 6.9 की IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है बॉय। यह मूवी आई थी साल 2019 में। यह एक रोमांटिक स्कूल लाइफ लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई जाती है एक 15 साल के लड़के की, जो अपने क्रश के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। लेकिन मूवी ट्विस्ट तब आता है जब उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 97% मार्क की जरूरत होती है मैथमेटिक्स में, जो उस लड़के का सबसे कमजोर सब्जेक्ट होता है। वो किस प्रकार से उस कॉलेज में एडमिशन ले पाता है या नहीं, इसके लिए आप सभी को यह मूवी देखनी चाहिए। एक बेहतरीन टीनेजर लव स्टोरी मूवी है। यह मूवी हिंदी लैंग्वेज आप सभी को देखने को मिल जाएगी यूट्यूब पर। इस मूवी को 89% गूगल जो ने पसंद किया है और इस मूवी को रेटिंग हासिल है 7.3 की IMDb पर।